हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. माई सेल्फ निशा सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय, जयपुर. स्टूडेंट्स, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं थ्री मेंबर सैचुरेटेड ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिंग. इससे पहले अपन लोग थ्री मेंबर सैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल पढ़ चुके हैं. उसमें अपन ने एजिरिडीन की डिटेल स्टडी की थी, और अब अपन लोग करने वाले हैं ऑक्सीरेन की डिटेल स्टडी. देखो, ऑक्सीरेन के बारे में पहली चीज क्या है, ये एक थ्री मेंबर्ड कंपाउंड होता है साइक्लिक, जिसमें दो तो कार्बन होते हैं और ये कार्बन आपस में अल्फा बीटा पोजीशन पे होते हैं, और एक होता है अपना ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीरेन आप जानते हैं इसका कॉमन नेम होता है. इसके अलावा इसको कह सकते हैं अपन लोग ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन इपॉक्साइड, या फिर अपन कह सकते हैं अल्फा बीटा इपॉक्सी इथेन. इथेन यहाँ पे दो कार्बन के रिस्पेक्ट में कहा गया है. दोनों कार्बन अभी मैंने बताया था अल्फा और बीटा पोजीशन पे है, तो जो कार्बन है अल्फा बीटा उन पे इपॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो नाम दे दिया अपन ने अल्फा बीटा इपॉक्सी इथेन. ये देखो, आप चेक कर सकते हैं, ये अल्फा और ये बीटा, और ये देखो यहाँ लगा दिया अपन ने इपॉक्सी ग्रुप. तो ये तो था ऑक्सीरेन का इंट्रोडक्शन. अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और उसमें भी अपन लोग पढ़ेंगे इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, डार्जन रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इंट्रा मॉलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन, और लास्ट है बाय ट्राई अमाइड फॉस्फोरस. अब सबसे पहला जो मेथड है अपना वो है इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन. इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन भी तीन तरीके से होता है, बाय पर एसिड, बाय एल्कलाइन H2O2, और बाय टर्शी ब्यूटिल हाइड्रोजन परऑक्साइड. फर्स्ट मेथड जो है अपना बाय पर एसिड, ये मेथड अपन लोग ऑक्सीडेशन जो अपन पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, उसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं. वहां मैंने बताया था कि जब एल्कीन की रिएक्शन अपन पर एसिड के साथ कराते हैं, तो पर एसिड का ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड में जाके इंसर्ट हो जाता है, और अपने को यहाँ मिल जाती है थ्री मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग, जिसे अपन कहते हैं ऑक्सीरेन, और साथ में एसिड यहाँ बाहर निकलता है. पर एसिड मैंने बताया था कि पर एसिटिक एसिड काम में ले सकते हैं, पर बेंजोइक एसिड काम में ले सकते हैं, ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड काम में ले सकते हैं, कैरोज एसिड काम में ले सकते हैं, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड काम में ले सकते हैं. इसकी जो मैकेनिज्म थी मैंने वहां आपको डिटेल में बताई थी, तो वो मैकेनिज्म आप लोग वहां से पढ़ेंगे. यहां मैं आपको सिर्फ सिंपल रिएक्शन बता रही हूँ. अब अगला मेथड आता है बाय एल्केलाइन H2O2. देखो, जब भी अपन लोग एल्केलाइन H2O2 से ऑक्सीरेन की सिंथेसिस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि अपन लोग सीधे सीधे एल्कीन ना लेके एल्कीन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप भी लेंगे, और ये एल्कीन और कार्बोनाइल आपस में इस तरीके से होंगे कि कार्बोनाइल के अल्फा और बीटा पोजिशन पर एल्कीन होगी, यानी कि डबल बॉन्ड होगा, जिसे अपन कहते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. तो अपन ने यहाँ क्या किया है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लिया है. ये सिस फॉर्म में भी हो सकता है और ट्रांस फॉर्म में भी हो सकता है. जब इसकी अपन लोग एल्केलाइन H2O2 से रिएक्शन कराते हैं, तो डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है और अपने को मिलती है ऑक्सीरेन रिंग. अब देखो, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा ट्रांस ही बनेगा, चाहे आप सिस रिएक्टेंट लें या ट्रांस लें. उसका रीजन क्या है कि ये जो इपॉक्साइड रिंग है और ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमेशा अपोजिट साइड में ही आना चाहेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से. अब अपन लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की. मैकेनिज्म में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब H2O2 को अपन लोग एल्कलाइन सॉल्यूशन में रखते हैं, तो ये जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है H2- में और H2O में. तो जब ये HO2- में कन्वर्ट होता है, तो इसका जो नेचर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है. न्यूक्लियोफिलिक होगा तो ये क्या करेगा, कार्बोनिल पे अटैक कर सकता है, और वो अटैक किस तरीके से होगा कि जैसे ये अपना कंपाउंड है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, तो देखो सबसे पहले तो अपन लोग कार्बोनिल ग्रुप की बात करेंगे. कार्बोनिल के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. अगर सिंपल अपना कार्बोनिल होता तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पोजीशन पे अटैक करता, लेकिन ये सिंपल कार्बोनिल ना होके अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना होता है, उसी टाइम पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ जाता है. तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और ये जो बीटा पोजिशन है यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल.
देखो इस तरीके से ऑक्सीजन पे नेगेटिव कर दिया अपन ने, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया और यहाँ पे अपन ने जोड़ दिया न्यूक्लियोफाइड। फिर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वापस अपनी जगह जाते हैं, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाता है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके पहले इस कार्बन पे नेगेटिव की फॉर्म में आता है, फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है इस पे पीछे से अटैक करता है और यहाँ से ये OH- बाहर निकल जाता है। तो देखो मैंने ये OH- जो बाहर निकला है वो बताया है, आप इसको यहाँ प्लस करके लिखेंगे प्लस OH-। तो जैसे ही OH- बाहर निकल जाएगा अपने को मिल जाएगी अपनी एपॉक्साइड रिंग यानी कि ऑक्सीरेन, और ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, ट्रांस फॉर्म। थर्ड जो मेथड है वो है बाय टर्शी ब्यूटिल हाइड्रोजन परऑक्साइड। सिंपल सा मेथड है, एल्कीन अपन ने ली है, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो जाके डबल बॉन्ड पे इंसर्ट हो जाएगा और अपने को मिल जाएगी अपनी ऑक्सीरेन और साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्कोहल। तो ये तो अपना ए मेथड था जो था इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब आते हैं अपन लोग अपने बी मेथड पे जो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। देखो ये मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि इन पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। तो ये जो रिएक्शन अभी अपन लोग पढ़ेंगे सारी आगे, उन सब में न्यूक्लियोफाइल होगा और वो जाके कार्बोनिल पे क्या करेगा, एडिशन करेगा। अब इसमें भी अपन लोग पढ़ने वाले हैं बाय सल्फोनियम एलाइड, बाय सल्फोक्सोनियम एलाइड, बाय डाइजोमेथेट, बाय ऑर्गेनोलिथियम। तो देखो यहाँ चार मेथड है जिनमें अपन लोग कार्बोनिल के साथ इनकी रिएक्शन कराने वाले हैं। इन चारों में से देखो शुरू के दो मेथड मैं आपको बता दूं, जहाँ मैंने लिखा है इलाइड। इलाइड आपके लिए एक नया वर्ड होगा, तो मैंने यहाँ नोट डाल के लिखा है कि इलाइड होता क्या है। इलाइड एक 1-2 डाइपोलर स्पीसीज होती है। 1-2 डाइपोलर स्पीसीज का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ होंगे, 1-2 पोजिशन पे। नेगेटिव चार्ज जो होगा वो हमेशा कार्बन पे होगा, यानी कि इनके अंदर कार्बन कार्ब अनायन की फॉर्म में होगा। पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, हमेशा हिट्रो एटम। ये हिट्रो एटम अगर नाइट्रोजन है तो इसको नाइट्रोजन इलाइट कहेंगे, सल्फर है तो सल्फर इलाइट कहेंगे, फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस इलाइट कहेंगे। तो अपने ये जो पहले और दूसरा मेथड है, यहाँ अपन ने सल्फर कंटेनिंग इलाइट ली है। अब देखो फर्स्ट मेथड की अपन लोग बात करने वाले हैं बाय सल्फोनियम इलाइड। पहले तो मैं आपको बता दूं सल्फोनियम इलाइड क्या होता है, CH2 पे नेगेटिव चार्ज होता है, सल्फर पे पॉजिटिव, और साथ में लगे हुए होते हैं 2 मिथाइल ग्रुप। आपको ये स्ट्रक्चर याद करनी होगी, CH2- S+ और CH3CH3। अब देखो सल्फोनियम इलाइड की अगर बात करें तो देखो CH2 पे नेगेटिव है, यानी कि ये किसका काम करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल का। तो कार्बोनिल के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और इस जगह पॉजिटिव, और ये देखो पॉजिटिव से जाके कौन जुड़ गया, CH2SME2। अब ऑक्सीजन पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इस कार्बन पे अटैक करेंगे। अटैक करने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे इस कार्बन पे ये जो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है ये अब एक लिविंग ग्रुप की जैसे काम कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप जो है वो इजीली बाहर निकल जाएगा, और ये जब बाहर निकलेगा तो ये डाइमिथाइल सल्फाइड की फॉर्म में निकलेगा और अपने को मिल जाएगी अपनी ऑक्सीरेन रिंग। तो ये तो था अपना पहला मेथड कार्बोनिल से। अब अपन बात करते हैं बाई सल्फोक्सोनियम इलाइड। देखो सल्फोक्सोनियम इलाइड देखो नाम में ही आ रहा है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन। तो ये जो इलाइड होगा उसकी स्ट्रक्चर होगी CH2- S+, और उसके साथ डबल बॉन्ड होकर के ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा और 2 होंगे अपने मिथाइल ग्रुप। अब CH2- है यानी किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। वही कार्बोनिल के ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, कार्बन पे पॉजिटिव, और वहाँ कौन जाके जुड़ जाएगा, CH2। ये देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, CH2 जुड़ गया, CH2 के साथ सल्फर प्लस डबल बॉन्ड ओ CH3CH3 जुड़ा हुआ है। तो जैसे अभी अपन ने ऊपर रिएक्शन बताई थी, ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और ये ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है, तो बाहर निकल जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगी, अपनी ऑक्सीरेन रिंग। अब आते हैं अपन अगले मेथड में। अगला मेथड है बाय डाइजोमेथेन। डाइजोमेथेन की जो स्ट्रक्चर है वो होती है CH2- N(NN), और यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा तो ये पार्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कार्बोनिल में वही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे या नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव।
देखो इस तरीके से ये आर अपनी जगह, ये आर अपनी जगह, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, और ये देखो ये ग्रुप जुड़ गया CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड एन, और नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे दो चीजें पॉसिबल है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे कि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है वो कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो पार्ट है वो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो देखो ये करने पे अपने को क्या मिला, आर आर फिर कार्बन, और ये बन गई अपनी रिंग नाइट्रोजन बाहर, यानी कि अपने को मिल गया अपना ऑक्सीजन। ये तो एक प्रोडक्ट तो यहाँ बनता ही बनता है। इसके साथ एक पॉसिबिलिटी यहाँ और चलती है, वो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे अटैक ना करके ये अपनी जगह पे वापस आ जाए। तो जब ये अपनी जगह पे वापस आएगा तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब इसके पास CH2 ग्रुप भी जुड़ चुका है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो ये जो एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ से माइग्रेट होके इस कार्बन पे जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे ये इलेक्ट्रॉन वापस आए, सेकंड नंबर पे ये आर ग्रुप माइग्रेट होके गया। तो जैसे ही माइग्रेट होके CH2 के पास आता है तो ये N2 बाहर निकल जाता है। तो देखो अपने को क्या मिला, आर सी डबल बॉन्ड ओ CH2 R, ये देखो यहाँ पे। अब देखो ये जो है इसको अपन कह रहे हैं हायर कीटोन्स, क्योंकि अपन ने लिया था आर सी डबल बॉन्ड आर, जबकि अपने को क्या मिला है, आर सी डबल बॉन्ड CH2 R। तो इस मेथड से अपने को क्या मिल रहा है, ऑक्सीरेन के साथ साथ हायर कीटोन्स भी मिल रहे हैं। अगले मेथड की बात करते हैं, वो है बाय ऑर्गेनोलिथियम। ऑर्गेनोलिथियम जो होता है वो आर माइनस और एलआई प्लस होता है, यानी कि यहाँ आर माइनस जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अब अपन ने जो आर लिया है वो इतना लंबा चौड़ा ग्रुप लिया है, कार्बन पे नेगेटिव है, फिर इस पे ये ग्रुप लगा है, फिर ये ग्रुप लगा है, साथ में एक लिविंग ग्रुप लगा है। ये सारा पार्ट जो है उसको अपन आर की जैसे कंसिडर कर रहे हैं। तो वही ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव से जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल से देखो R1 जुड़ा हुआ है, R2 और Cl। वही ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो इस कार्बन पे अटैक करेंगे, तो जो लिविंग ग्रुप था Cl वो बाहर निकल जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगी, अपनी ऑक्सीरेन रिंग। अब आते हैं अपन लोग थर्ड मेथड पे, या फिर अपन कह दें सी मेथड पे। फर्स्ट अपन ने इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा है, सेकंड अपन ने फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ा है, थर्ड नंबर पे आता है अपना डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करा रहे हैं अल्फा क्लोरो एस्टर के साथ। अल्फा क्लोरो एस्टर जो है उसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है इसका नेचर एसिडिक होता है। एसिडिक किस वजह से, क्योंकि जब ये H+ की फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस में रहता है और वो स्टेबल होता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि कार्बोनिल से रिएक्शन अपन बाद में कराएंगे, पहले अपन लोग ये जो अल्फा क्लोरो एस्टर लिया है इसकी रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ। तो जैसे ही इसकी रिएक्शन बेस के साथ होगी, बेस यहाँ से एच लेके जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल के इस कार्बन पे। तो ये देखिए ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, कार्बन से क्या जुड़ गया, कार्बन आर सीएल और CO2। अब वही ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे और यहाँ से लिविंग ग्रुप सीएल हो जाएगा बाहर और अपने को क्या मिल जाएगा, अपना ऑक्सीरेन। अगला मेथड क्या आता है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो होता है RMGX। यहाँ पे आर जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे कार्बोनिल से। और इस बार अपन ने जो कार्बोनिल लिया है उसके अल्फा पोजीशन पे अपन ने एक ले लिया लिविंग ग्रुप। तो कार्बोनिल में किस तरीके से रिएक्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टों के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव पे आके जुड़ जाएगा आर। देखिए इस तरीके से ओ माइनस से जुड़ गया MgX। अब क्या होगा, ये ओ माइनस ही CH2 पे अटैक करेगा और ये Cl हो जाएगा बाहर और अपने को मिल जाएगी अपनी ऑक्सीरेन रिंग। इसी तरीके से अगला मेथड है इंट्रा मॉलिकुलर साइक्लाइजेशन मेथड। इस मेथड के अंदर अपन लोग काम में ले रहे हैं हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन कोई नई चीज़ नहीं है, हेलोहाइड्रिन में एक OH ग्रुप होता है, एक हेलोजन ग्रुप होता है, दोनों आपस में अल्फा पोजीशन पे जुड़े हुए होते हैं। जब इसकी रिएक्शन अपन बेस के साथ कराते हैं तो ये बेस यहाँ से एच निकाल के ले जाएगा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव इस सीएल पे बैक साइड से अटैक करेगा, सीएल लिविंग ग्रुप के फॉर्म में है तो बाहर निकल जाएगा और अपने को मिल जाएगी अपनी ऑक्सीरेन रिंग। अब ये लास्ट मेथड है अपना बाय फॉस्फोरस ट्राइअमाइड। इस मेथड के अंदर अपन लोग क्या कर रहे हैं,
कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करा रहे हैं ट्राई अमाइड फॉस्फोरस के साथ। थैंक यू सो मच।